फर्स्ट बर्थडे के बाद बच्चे को रात को फीड ना कराएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेश प्रजापति, बच्चों का डेंटिस्ट। आइए आज इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे साल से 1.5 साल के छोटे बच्चों का दांत साफ किए जाएं, वे ब्रश किया जाए और अपन और क्या-क्या कर सकते हैं ताकि उनको डेंटल कैविटीज स्टार्ट ना हो। तो यदि आपके घर में कोई बच्चा है जो साल से 1.5 साल की उम्र में है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो उसके शायद ऊपर 4 और नीचे 4 दांत आए होते हैं और पीछे अभी तक कोई दांत नहीं आया होता है। ये उम्र सबसे आसान होती है किसी भी बच्चे का दांत साफ करने के लिए। मेरी राय ये रहती है, सबसे पहले एक मुलायम कपड़ा जैसे कि रुमाल, बच्चों का बनियान इत्यादि, ऐसी चीज़ उंगली पे क्रोल करके हर फीड के बाद बच्चों के दांतों को इस तरह से साफ करें। मेरा मानना यह है कि जो काम एक मुलायम कपड़ा कर सकता है, वो इस उम्र में ब्रश नहीं कर सकती है। ध्यान रखें, हर फीड के बाद पानी के अलावा बच्चा कुछ भी खा रहा है पी रहा है, तो आप उसके सामने के दांतों को इस तरह से मुलायम कपड़े से साफ करेंगे और पीछे के मसूड़ों को मालिश करेंगे। इस उम्र में जैसे ही बच्चा 1.5 साल क्रॉस करेगा, उसका कभी भी पीछे का दांत उगना स्टार्ट हो सकता है। पीछे के दांत उगते ही आपका ये कपड़े वाली ट्रिक पीछे के दांतों में काम कम करेगी, तब आपको ब्रश स्टार्ट करना ही पड़ेगा। बच्चे का दांत की सफाई उसका पहला दांत आते ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। जब पहला दांत आएगा तो प्रॉब्ली आप कपड़े से स्टार्ट कर सकते हैं और उसको ब्रश की धीरे धीरे आदत डाल सकते हैं। छोटे बच्चों में मैं पेस्ट में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। मेरा मानना यह है कि थूक ही सब कुछ, थूक में सब कुछ है बच्चे के दांत स्वस्थ रखने के लिए। तो ब्रश को सिर्फ गीला करें, ऐसे बेड पे उसको लेटाएं बच्चे को। अगर बच्चा कहना नहीं मानता है, रोता है, तो इस तरह से बच्चे को सामने वाला पेरेंट या सहायता करने वाला इस तरह से बच्चे के हाथ पकड़ सकता है। ये बच्चा मेरे से बहुत दिनों से ब्रश करा रहा है तो कोऑपरेटिव है, पर ये भी शुरू में रोता ज़्यादा था। तो जब बच्चा रोता है, हिलता ज़्यादा है, तो आप उसको इस तरह से दो लोग उसकी ब्रश कर सकते हैं। जो ब्रश करेगा वो सर की तरफ बैठे और एक जना बच्चे के हाथ पकड़ सकता है। अपन सामने वाले दांतों से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यदि मसूड़ों से आपको इस स्टेज में लगता है कि थोड़ा सा खून आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ मसूड़ों में सूजन है। और इस खून से, ब्लीडिंग ऑफ गम से ना डरे। ध्यान रखें, मुलायम कपड़े से भी आज रोज़ दिन में 3-4 बार साफ करेंगे तो मसूड़ों की हेल्थ वापस आ जाएगी और वो ब्रशिंग पे ब्लीडिंग करना बंद कर देंगे। बहुत सारे अभिभावक जब मसूड़ा ब्लीड करता है तो ब्रश करना बंद कर देते हैं, उनको डर लगता है कि मसूड़े पे चोट पहुंच रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। मसूड़े से ब्लीडिंग नहीं होती है, स्वस्थ मसूड़ा कभी भी ब्रशिंग पे ब्लीड नहीं करता है। ऐसे नीचे वाले दांत करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यदि पीछे दांत आ गए हैं आकर बेटा, तो आपको पीछे वाले दांत पे भी ब्रश करना स्टार्ट करना है। छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर ध्यान रखें, दांत आ गया है तो आपको ब्रश चलाना पड़ेगा। वैसे बच्चों के दांतों में, दूध के दांतों में गैप होना चाहिए, पर जिन बच्चों के फ्यूचर में दांत टेढ़े मेढ़े आने की संभावना होती है, तो उनके दूध के दांतों में आपको गैप नहीं दिखता है। अगर दूध के दांतों में विजिबल गैप नहीं है, तो आपको दांत के बीच में फ्लॉस से भी दांत साफ करने पड़ेंगे। मेरी प्रैक्टिस में बहुत कॉमन है कि बच्चे फ्लॉसिंग ना होने की वजह से इस तरह से दांत के बीच में कैविटीज़ बना के लाते हैं। यहाँ जो सफाई फ्लॉस कर सकता है, वो एक ब्रश कभी भी नहीं कर पाएगा। तो छोटे से बच्चे में ही फ्लॉस करने की आदत को डेवलप करें। बच्चे का पहला दांत आते ही उसकी ब्रश स्टार्ट करें और बच्चे के पहले बर्थडे पे ही बच्चों के डेंटिस्ट द्वारा उसका चेकअप करा लें। ये सब करने पे मेरा मानना है कि बच्चे को कभी भी बड़े दांतों के इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका और भी कोई डाउट है, तो आप दिए गए ईमेल आईडी पे मुझे संपर्क कर सकते हैं या अपना डाउट कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद। एक कॉमन मिस्टेक जो मैं हमेशा देखता हूँ कि जो अभिभावक करते हैं, मेरी राय में आपको बच्चे के पहले जन्मदिन के बाद रात को फीड कराना बंद कर देना चाहिए।
ध्यान रखें हर फीड के बाद आपको कपड़े से या ब्रश से दांत को साफ करना है। ऐसा ना हो बच्चा बीच बीच में रात को उठ के दूध मांग रहा है, चाहे माँ का हो चाहे गाय का बोतल के थ्रू हो, और वही पीते पीते सो रहा है। लास्ट घूंट जो है दूध का वो दांत पे ही चिपक जाएगा और बहुत डेंटल प्रॉब्लम्स करता है। फर्स्ट बर्थडे के बाद बच्चे को रात को फीड ना कराएं।